Uh, जो टॉपिक है इस टॉपिक में इंशाल्लाह हम इसकी कंस्ट्रक्शन और uh, इसकी वर्किंग और इसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनकी uh, जो फंक्शनिंग है उसको डिस्कस करेंगे तो ये हमारा आज का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो भी यही है मेजरली के सी आर ओ के डिफरेंट पार्ट्स को गो थ्रू करना है एंड देन टू सी के ये कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है Uh, ये कंटेंट से आज के इंशाल्लाह uh, पहले सेक्शन में हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को और इसके कांसेप्ट्स को देख लेंगे एंड राइट आफ्टर दिस वी विल मूव टूवर्ड सम शॉर्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस एंड देन वी विल कंक्लूड इंशाल्लाह सो प्रीवियस टॉपिक को थोड़ा सा ब्रीफली एक सर प्लीज कॉन्टेक्स्ट एक बार दिखा दें सर कॉन्टेक्स्ट एक बार दिखा दें ताकि मैं वो राइट कर लूं यहां पे ओके स्टूडेंट्स लास्ट uh, लेसन में हमने ई चार्ज टू को डिराइव किया था वेरी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर जहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड को यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द चार्ज टू रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जिसमें ई ओवर एम जब हमने फाइंड आउट की थी तो हमारे पास ये वाला मैथमेटिकल रिलेशन आया इस मैथमेटिकल रिलेशन में हमें पता था कि भाई बी की स्ट्रेंथ कितनी है बट वीबल अनएबल रेडियस था और इसकी स्पीड थी तो बड़े टॉपिक uh, में खुद ब खुद नेक्स्ट टू हेडिंग्स इंट्रोड्यूस होगी जिसमें पहले हमने रेडियस फाइंड किया बाई डेवेलपिंग लो प्रेशर और uh, इसके साथ हम, हमने प्रोजेक्ट किया था इलेक्ट्रॉन की बीम को इनसाइड द्रामसिज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन्स को घुमा दिया सर्कुलर पाथ में डिफ्लेक्ट कर दिया एंड दैट पाथ बिकेम विजिबल क्योंकि जहां जहां से इलेक्ट्रॉन्स गुजरे उसने एक्साइट किया हाइड्रोजन एटम्स को एंड एज दे डी एक्साइट इनकी डी एक्साइटेशन के नतीजे में लाइट प्रोड्यूस हुई और पाथ विजिबल हो गया इलेक्ट्रॉन्स uh, का हमने फिर उस विजिबल पाथ से रेडियस मालूम कर लिया फिर हमने बेटा स्पीड फाइंड आउट की थी स्पीड uh, के लिए हमने ये वाला मैथमेटिकल फॉर्मूला ड्राइव किया स्पीड की वैल्यू को और आर की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके फाइनली हमारे पास ये वाला रिलेशन आ गया जिसमें राइट साइड पर मौजूद तमाम वेरिएबल्स हम जानते हैं रेडियस वोल्टेज एंडलाइटिको लेट एस नाउ स्टार्टोड रेलो क्या होता है, uh, है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब uh, का जिसमें आप वोल्टेजेस uh, के या करंट्स के अंदर होने वाली जो वेरिएशन है उस वेरिएशन को फाइंड uh, आउट कर सकते हैं देख सकते हैं लाइव ऑब्जर्व कर सकते हैं और इसकी uh, इसके लिए आपने देखा होगा जस्ट लाइक ईसीजी मशीन आपने जैसे देखी होगी वेरिएशन ऑफ़ योर हार्ट बीट्स तो सेम सोर्ट ऑफ डिवाइस और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कोई से दो पॉइंट्स है लाइक इफ वी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट

जिसके जरिए से मुझे पता चल जाएगा कि वोल्टेज के अंदर या करंट के अंदर जो होने वाली वेरिएशन है वो किस तरह की है उसकी वेव फॉर्म क्या है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज कितने हैं वगैरह वगैरह तो ये तो होगी डेफिनेशन यू विल फाइंड अ वेरी फाइन डेफिनेशन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक प्लीज हाई फर्स्ट टू और थ्री लाइन ऑफ योर टेक्स्ट बुक फ्रॉम दिस टॉपिक सेकंडली वी कम टुवर्ड्स द प्रिंसिपल भाई किस اصول पे काम करती है तो اصول जो इसका ये है कि हम एक इलेक्ट्रॉन की बीम एक चार्जेस की जो बीम है वो अप्लाई करते हैं एंड यू ऑल नो कि जब चार्जेस को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम पास करेंगे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में से तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतना ही Uh, इनके अंदर डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगी क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं इलेक्ट्रॉन्स की बीम डिफ्लेक्ट हो गए किस प्लेट की तरफ चले जाएगी टूवर्ड अ पॉजिटिव प्लेट आप सवाल ये है कि आप सोचेंगे कि सर ये नेगेटिव चार्जेस हैं ये डायरेक्ट प्लेट के ऊपर क्यों नहीं जुड़ गए सो so, ऐसा इसलिए नहीं होता uh, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स uh, का मोमेंटम खासा ज्यादा होता है And momentum is not only dependent upon the mass, but it also depends upon the speed of electrons. So, speed is so high that in turn around, uh, it takes quite a bit of distance. So, this uh, deflect ho positive. Blade ki Zyada deflect ho jaingi, uh, in case the strength of the field is greater, then greater electrostatic force will act, and in a similar way. कंपोनेंट सेटली एट द वेरी फर्स्ट पार्ट वी विल सी के यहां पर एक फिल्मेंट आ रहा है uh, चले अभी डिस्कस कर लेता हूँ फिर एक तरह से रिविजन हो जाएगी लेटर ऑन जैसे हम आगे मूव करते हैं फिलामेंट का क्या काम है फिलामेंट जो है ना ये एक लो वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड होती है इसके साथ और वो ऑल नो कि जब किसी जाहिर फिलामेंट किसी मेटल का बना हुआ होगा जिसमें थर्मोनिक एमियन होगी और थर्मोइनिक एमियन का असूल क्या है एच इज इक्वल टू आई आर डी एच इज इक्वल टू आई आर एंटी विच शोज के जैसे ही करंट uh, पास करेगा तो करंट के स्क्वेयर के मुताबिक आपके अः uh, यहाँ पर हीट डेवलप होगी अच्छा ये हीट क्या करती है ये हीट ये करती है कि ये थर्मल एनर्जी सप्लाई करती है प्रोवाइड करती है आपके इलेक्ट्रॉन्स को एंड वी ऑल नो कि इसकी जो हीट है फिलामेंट की हीट की वजह से कैथोड पे क्या असर होगा फिलामेंट की हीट की वजह से कैथोड पे असर ये होगा कि कैथोड इज मेड अप ऑफ अ मेटल हैविंग लूजली बाउंड एंड लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें बहुत ज्यादा तादाद में आप देखें इनडायरेक्टली हीट कर रहे हैं हम फिलामेंट हीट अप होगा इसकी हीट एनर्जीज है वो कैथोड की एक मेटल को मिलेगी कैथोड में क्या होगा जी कैथोड की ये जो हीट एनर्जी मिलने के बाद इलेक्ट्रॉन्स हैं ये थर्मोनिक अमीजन के जरिए थ्रू द फिनोमिना ऑफ थर्मोनिक अमीजन जो कि क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स को आ, एनर्जी हीट एनर्जी मिलती है किसी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को आ, इन अ मेटल तो वो मेटल के सरफेस को छोड़कर एमिट कर जाते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल और जैसे ये अः uh, एस्केप कर जाते हैं तो इनके एस्केप करने के नतीजे में अः uh, क्या होगा जी यहाँ पर काफी सारे तादाद के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं uh, वो अवेलेबल होंगे Uh, अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी बिल बिल्कुल ऐसे समझ जैसे आप सुबह सुबह जागे हैं काफी सारे इलेक्ट्रॉन जाग गए ये ऐसे ही है जैसे अः uh, uh, मेहरान खान के घर करें फैमिली में सिर्फ पचास मेंबर हैं पचास बच्चे रहते हैं उसमें तो वो पचास बच्चे समझ सुबह जाग गए लेकिन अभी उनकी स्पीड नहीं उन्होंने पकड़ी कोई फ्रेश नहीं है ये तो ग्रिड पे मैं अभी डिस्कशन बाद में करता हूँ ग्रिड को थोड़ा सा होल्ड करें मैंने फिलामेंट पे ऊपर डिस्कशन कर लिया मैंने कैथोड के ऊपर डिस्कशन कर लिया ग्रिड को जरा होल्ड करें uh, अब अभी मैं बात कर रहा हूँ एनोड की एनोड जो है वो हाईली पॉजिटिव पोटेंशियल के ऊपर है वेरी हाई पॉजिटिव पोटेंशियल पे है तो इसकी हाई पॉजिटिव पोटेंशियल जो है ये क्या करेगा ये उन बच्चों को वही जो मैं कह रहा हूँ ना कि फर्ज करें मेहरान खान एक पचास इलेक्ट्रॉन्स की फैमिली है एक तो वो फैमिली में ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं सुबह सुबह अम्मा ने निकाल दी ये इलेक्ट्रॉन सारे बाइट के चलो बेटा जाके बाइट खेलो ठीक है तो ये अभी फ्रेश नहीं है अभी इधर से कोई आवाज आ जाए कि बोलो कुड़ियो चीज ले जाओ ठीक है यहाँ से आवाज आ जाए कि भाई कुछ बटर है जो इनको अट्रैक्ट करे समथिंग लाइक दैट

और इसका मकसद क्या है इसका मकसद ये है कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत हाई स्पीड के साथ मूव करेंगे दे क्योंकि पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे uh, क्यों स्पीड बढ़ेगी वो ऑल नो एफ इज इक्वल टू एम ए सो व्हेन दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्स ऑन द चार्ज ये एक्सेलरेट करेगी हमारे चार्जेस uh, को और यही बेसिक मकसद है एनोड का टू एक्सेलरेट द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो देर विल्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच बी अट्रेक्टेड अब आप सोचेंगे सर इनको यहाँ चिपक जाना चाहिए आ, तो आ, ऐसा इसलिए नहीं होता सब केसेस में क्योंकि एक बड़ी स्पीड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और जब बहुत हाई स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हो ना तो इनका मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि मोमेंटम दो चीजों पर डिपेंड करता है ना एक मैथ पे और एक स्पीड पे Uh, मैं कहूँ भाई ये अः uh, एक पेन है वो मैं ऊपर थ्रो करता हूँ फिर मैं कैच कर लेता हूँ अगर मैं उसी पेन को ऊपर जहाज से किसी के सर में फेंक दू तो वो आपको पता है बहुत हाई स्पीड गेन कर लेगा उस पेन को जो हाई स्पीड से मूव कर रहा है और जिस पेन को जो मैंने अभी थोड़ा सा ऊपर की तरफ थ्रो किया है उन दोनों को स्टॉप करने में बहुत फर्क होगा जमीन और आसमान का फर्क होगा सो so, कहने का मतलब ये यह यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन चले मैं एक एग्जांपल कोड करता हूँ इलेक्ट्रॉन है इसके पीछे भी एक इलेक्ट्रॉन है फर्ज करें इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन है इसके नीचे भी इलेक्ट्रॉन है अब नीचे वाला इसको ऊपर पुश कर रहा है ऊपर वाला इसको नीचे पुश कर रहा है द बैकवर्ड वन इज मूविंग इट सो देर विल बी सम लकी समलेक्ट्रॉन जो इस नैरो पैसेज में से गुजर जाएंगे ये छोटी थोड़ा सा ही ओपनिंग होती है क्योंकि बीम बनानी है ना बीम बनानी है तो एक इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम जो है वो अः इस काबिल होगी कि वो यहाँ से गुजर जाए विद वेरी हाई स्पीड और इतने हिस्से को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन जो अभी तक हमने डिस्कस किया है सो so, अः यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की हाई स्पीड वाली बीम जो है वो डेवलप हो जाएगी और ये बीम को आगे एक्स और वाई डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स ने हैंडल करना है

सो देर आर मेन थ्री कॉम्पोनेट्स इलेक्ट्रॉन गन है जिसका पर्पज क्या है इलेक्ट्रॉन गन वाले हिस्से कालेक्ट्रॉन so, तो की बीम आ रही है ये इलेक्ट्रॉन की बीम बिलकुल सीधी आ रही होगी फर्ज करें कि यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गन है वो इलेक्ट्रॉन की बीम भेज रहा है ठीक है जी तो ये इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है अब ग्राफ तो वेरिएशन होती है ना ग्राफ के अंदर तो वेरिएशन आती है अप्स एंड होते हैं राइज एंड फॉल होता है अब देखें ये ग्राफ ने सीधा आना है बिल्कुल सीधा इलेक्ट्रॉन्स की बीम आ रही है एक्स डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स ऐसे पड़ी हुई है एक्स डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का काम है कि इन्होंने इसको डिफ्लेक्ट करना है यानी आपके ग्राफ को फैलाना है स्प्रेड आउट करना है एक्स एक्सिस की तरफ और इसका काम वो कैसे करता है इसका काम वो एक खास वोल्टेज के सेटअप से करता है जिसको हम टाइम बेस्ड जनरेटर कहते हैं जिसके बारे में तस्करा अभी मैं करता हूँ इनका काम है जो हमारी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको फैलाना स्प्रेड आउट करना ताकि ग्राफ में वो नजर आ सके ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ग्राफ में सिर्फ एक स्पोर्ट ही नजर आ रहा हो ये सीधी एक इलेक्ट्रॉन की बीम स्क्रीन पे आ गई तो इस इंफॉर्मेशन का क्या मकसद है इस इंफॉर्मेशन तो तो कुछ भी हासिल नहीं होगा हम क्या करते, है? हम के एक करते हैं फैला है, देता है मसलन फर्ज करें मैं अपनी हार्डबीट मैर कर रहा हूँ अभी कम है मेरी हार्ड बीट सीआरओ में फिर मेरी हार्डबीट बढ़ गई या मेरा कोई सर्किट है उसके वोल्टेज बढ़ रहे हैं तो वो कब बढ़ रहे हैं वो कब कम हो रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन मुझे अगर आप देखें तो कैसे पता चलेगी इसके लिए मुझे ग्राफ को फैलाना है स्प्रेड आउट करना है वो एक दरवाजा भी होता ना इसी तरह का तो वो स्प्रेड आउट किस तरह से होगा वो स्प्रेड आउट होगा एक्स एक एक्सिस वाले वोल्टेज से और याद रखें ये फिक्स होता है ये हम कंट्रोल करते हैं कि भाई कितना फैलाना है उसके लिए हमें एक टाइम पीरियड वाली एक नोब मिली होती है सीआरओ के अंदर हम उस टाइम पीरियड की नोब को इस्तेमाल करके अपनी जरूरत के मुताबिक ग्राफ को फैला देंगे अगर मैं अब उसी ग्राफ को जिसको मैं कह रहा था वो इस तरह का हो तो हाँ अब कोई इंफॉर्मेशन नजर आ रही है कि अभी शाहरुख खान की हार्ट बीट बढ़ गई है और ठीक है सामने हीरोइन आ गई एंड वाला सीन चल रहा है मूवी का एंड चल रहा है ठीक है फिर एकदम से हीरोइन ने आके डायरेक्ट आके उसके चेस्ट के ऊपर कोई हाथ मारा के तुम क्यों फोत हो गए ठीक है तो एकदम से लाइन जो है वो सीधी हो गई ठीक फिर जब थोड़ा सा रोया हीरोइन ने फिर एक फिर एकदम से गया भी, आ, आ गया गया हीरो आ, जिंदा हो सो ये वेरिएशन अब अवेलेबल है बिकॉज इट इज आउट और ये काम किसने किया एक्स डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स ने अच्छा वाई डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पे वो वाले वोल्टेज अप्लाई करते हैं जिनको हमने चेक करना होता है और एक्स डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का जो वोल्टेज होता है उसका काम सिर्फ इतना है कि हम चेक करें

और ये सिर्फ वहां होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन जाके फॉल करेंगे अब डिटेल्स को डिस्कस करने के लिए आप सब लोग तो हम वन बाय वन हर एक कंपोनेंट को थियोरेटिकली भी देखते हैं तो सबसे पहला हिस्सा जी इलेक्ट्रॉन गन हालांकि इस इसपे काफी बात हो चुकी है लेकिन मैं चाहता था इसको जरा रिवियन सी साथ साथ होती रहे तो so, कौन कौन से सेगमेंट हैं इसमें कैथोड है फिलामेंट है ग्रिड है और तीन एनोड्स हैं सबसे पहले फिलामेंट का काम क्या है उसमें हीट अप करना है कैथोड एमिट करेगा इलेक्ट्रॉन्स यहां से सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे उसके बाद काम आएगा इलेक्ट्रॉन्स की बीम को हाई स्पीड बनाना और एक नैरो पैसेज में से उनको इजाजत देना कि वो बाहर जा सके और तो एनोड में से एनोड का काम है टू एक्सेलरेट द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कैसे करता है ये ये ऐसे करता है जी क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होते हैं देन uh, uh, okay. uh, आ जाता है जी आपका ग्रिड हाँ इस चीज पे मैंने अभी तक बात नहीं की थी आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्रिड का काम क्या है सबसे पहली बात है कि ग्रिड के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल होता है ग्रिड के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल होता है जी Uh, इसका काम यह है कि uh, मसलन यहाँ पर ये मैं ग्रिड लगा लेता हूँ लेट मी रेज एंड मेक थिंग्स अबिट सिंपलर चले यहाँ नोड को बना रहने है देते हैं ग्रिड बना लेते हैं सो लेट से दैट आउट हियर वी हैव अ ग्रिड ये ग्रिड है जी ग्रिड के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल है अब ग्रिड क्या है ग्रिड इज जस्ट लाइक के आप एक यहाँ पर चिड़िया घर है और ये उसका गेट है इज लाइक गेट पर कोई टिकट लगी हुई है। uh, का नेगेटिव पोटेंशियल आप बढ़ा भी सकते हैं और इसका पोटेंशियल आप कम भी कर सकते हैं चले फर्ज करें अगर मैं ग्रिड का पोटेंशियल बढ़ाता हूं तो क्या होगा मैंने आपको बताया था ना पचास इलेक्ट्रॉन्स हैं पचास uh, समझ लें के Uh, मेहरान खान के बहन भाई हैं ठीक है थीके? तो uh, इनमें से हर इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल डिफरेंट है ठीक uh, है एवरी इलेक्ट्रॉन हैज डिफरेंट पोटेंशियल ऑलमोस्ट लेट से इसका पोटेंशियल है बीस वोल्ट इसका पोटेंशियल है दो वोल्ट इस वाले का है जी पंद्रह वोल्ट और इसका जो पोटेंशियल है लेटस नेम इट एज हंड्रेड वोल्ट नेगेटिव uh, में ही है सारे ठीक है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में और लेट से कि ये सबसे ज्यादा एनर्जी ज्यादा पोटेंशियल वाला है दैट इज हैविंग थाउजेंड वोल्ट तो टिकट फर्ज करें कि अगर मैंने ग्रिड का पोटेंशियल कर दिया है नेम इट एज 20 वोल्ट ठीक है तो ये 2 वोल्ट कर लें तो टू वोल्ट पे क्या होगा तकरीबन सारी इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव नेगेटिव लेकिन इन सब का पोटेंशियल है सिर्फ पहुंचेंगे तो मुझे बताएं, ब्राइटनेस भी क्या होगी क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्क्रीन तक पहुंच सकते हैं अगर मैं ग्रिड का पोटेंशियल बढ़ा दूं मैं इसको 200 हंड्रेड वोल्ट कर दूट तो इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस काबिल नहीं होगा जो कि यहाँ से मूव uh, कर सके एक्सेप्ट फॉर दिस वन जिसका थाउजेंड वोल्ट है तो इन अ वे होगा क्या इन अ वे होगा ये कि जब ग्रिड का नेगेटिव पोटेंशियल आप बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कम इलेक्ट्रॉन स्क्रीन तक पहुंच सकेंगे जब कम इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीन तक पहुंच सकेंगे तो आपकी ब्राइटनेस ऑफ द स्क्रीन विल डिक्रीज दिस टाइम सो so, अब सादा कर देते हैं सिंप्लीफाई कर देते हैं जिसी तरह से अभी आप में से एक बच्चे ने कहा नसीबल्ला ने कहा कि कैथोड रे ट्यूब का जो फिनोमिना है ये टीवी के अंदर भी इस्तेमाल होता है बिल्कुल इस्तेमाल होता है आपने देखा होगा आप स्क्रीन के ऊपर रिमोट कंट्रोल से ब्राइटनेस को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं रात के वक्त आप टीवी देख रहे हैं कार्टून देख रहे हैं आप चाहेंगे कि आप ब्राइटनेस जरा हल्की रखें नहीं तो आंखों में चुबन होती है आपकी ब्राइटनेस कैसे कम होती है जब आप ब्राइटनेस कम कर रहे हैं तो यहाँ पर तो एक नोब बनी हुई है ना सीआरओ में एक नोव बनी हुई है जिसको आप घुमा के इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं जब आप ब्राइटनेस बढ़ाएंगे तो इंक्रीजिंग द ब्राइटनेस मीन्स कि आप ग्रिड का पोटेंशियल कम कर रहे हैं जब कम पोटेंशियल करेंगे ग्रिड का नेगेटिव तो कम तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो 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 यहाँ से गुजर सकेंगे और ब्राइटनेस बढ़ जाएगी लेकिन जब आप ग्रिड का नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो उसको बढ़ा देंगे तो ये नेगेटिव है ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा तो कम इलेक्ट्रॉन्स को इजाजत मिलेगी कि वो स्क्रीन तक अप्रोच कर सकें सो so, मैंने काफी डिटेल में बता दिया लेकिन आपने सिर्फ ये वाली लाइन याद रखनी है दैट ग्रिड क्या है ये ब्राइटनेस को कंट्रोल करती है एंड इट हैज नेगेटिव पोटेंशियल जिसके जरिए हम स्क्रीन की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं नेक्स्ट पेज पे जी दो तरह के एक्स और वाई uh, जो एक्स डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं इनको एक पोटेंशियल दिया जाता है एक्स डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को जो पोटेंशियल दिया जाता है ये एक बिल्ट इन सर्किट होता है बिल्ट मेरे लैपटॉप का जो बिल्ट इन साउंड कार्ड है ना वो खराब हो चुका है अब मैंने मैं एक यूज कर रहा हूँ साउंड कार्ड जो मेरे यहाँ पर हेडफोन के साथ लगा हुआ है तो इन कहने मैंने इस टर्म को समझाना था बिल्ट इन मींस इट इज पार्ट ऑफ द सिस्टम ये ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है माइक मौजूद है आपके आप मोबाइल में हेडफोन uh, मौजूद है आपके मोबाइल में इन है अच्छा ये जो बिल्ट इन सर्किट है ये किस तरह के वोल्टेज देता है बोला ये एक साठ टूथ वोल्टेज होते हैं, ये एक साठ उथ वोल्टेज होते हैं आपने देखा है सुल्तान राय को जानते हैं आप पंजाब पंजाबी मूवीज में सुल्तान राय के पास गंडासा होता था ये देखें। अः जस्ट लाइक सो किस तरह का कौन कौन सा सो होता है जरा इंग्लिश का भी टेस्ट ले लेते हैं एक एस ए डब्ल्यू सो इसके कितने मीनिंग है और एक और सो होता है सी सो भी होता है जी जी थैंक यू थैंक यू सो इट इज द वोल्टेज इज वेरी लाइक दिस ग्रेजुअली इंक्रीज एंड सडनली फॉल टू जीरो ग्रेजुअली इंक्रीज एंड सडनली फॉल टू जीरो अच्छा मैं अब इसको कंफ्यूजन से बचाने के लिए ना आप के सामने वीडियो पर भी मौजूद होना चाहता हूँ ठीक है सो आई वुड लाइक के मेरी वीडियो आप लोग साथ साथ देख रहे होंगे ठीक है मैं खुद को तो नहीं देख सक रहा जी मैं नजर आ रहा हूँ थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा हूँ यस सर आप खूबसूरत दिख yes, रहे हैं अच्छा चले ठीक है सो बट आई एम नॉट एबल टू सी माई सेल्फ सो लेट मी मेक इट विजिबल एज वेल ताकि मुझे पता चले मैं क्या क्या आपको बता रहा हूँ। ओके ओके जी इलेक्ट्रॉन्स है uh, ये इलेक्ट्रॉन की बीम सीधी आ रही है अब देखने में आपको लग रहा है कि ये वेरिएशन कुछ इस तरह से है वर्टिकली लेकिन ऐसा नहीं है ये जो वेरिएशन है ना ये होरिजोनटल है इट इज होरिजोनटल सो जब ये होरिजोनटल है तो ये वोल्टेज ऐसे वेरी कर रहे हैं जस्ट लाइक दिस सो होगा क्या जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे मतलब है कि ये जो एक्स एक्सिस पे मैंने वोल्टेज अप्लाई इनका मकसद है कि ये इंक्रीज एंड मैक्सिमम एंड इंक्रीज एंड मैक्सिमम एंड तो इनका बेसिक पर्पस ये है कि हम जो अप्लाइड वोल्टेज है उसको स्क्रीन पर सप्रेड आउट कर सकें स्वीप कर सकें। इसीलिए एक्स एक्सिस पे जो वोल्टेजेस अप्लाई किए जाते हैं इनका नाम क्या होता है दे आर कोल्ड स्वीप और टाइम बेस्ड जनरेटर सो वी गिव देम द नेम स्वीप और टाइम बेस्ड जनरेटर क्योंकि ये एक्स एक्सिस को डिफाइन करते हैं ये आपके वोल्टेजेस को सप्रेड आउट करते हैं

वो बिहेवियर कैसा होगा वाई वाला मैं बताता हूं। ले जी ये दो, दो टर्मिनल के साथ इनपुट तो तो ये तो, ये तो जो आ रही होगी ये एक्सटर्नल सर्किट से आ रही होगी ना वाई वाली जिसकी वेरिएशन हमने देखनी है सर्किट हो सकता है पंखे के अक्रोस दे सकते हैं हम बल्ब के अक्रोस देख सकते हैं तो इंक्रीजिंग इंक्रीज इन द हार्डवेयर मीनस कि यहाँ पर जो डिपॉजिट होने वाले चार्जेस हैं उनकी मिकदार बढ़ जाएगी जब ये बढ़ जाएगी तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रो जो इलेक्ट्रोसैटिक फोर्स लग रही है वो बढ़ जाएगी तो आपका जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सीधा जाने की बजाय ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा एंड यू विल ऑब्जर्व कि ये ज्यादा वेरिएशन आ रही है लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये तो वर्टिकली चेंज हो रहा है ना मुझे कैसे पता चलेगा मुझे तो नहीं अंदाजा हो रहा कि ये कब बढ़ रहा था कब कम हो रहा था इसलिए हम इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम फैलाना चाहते हैं इसलिए हम इसको with respect to time करना चाहते हैं और ये काम कौन करेगा ये काम करेंगी आपकी एक्स एक्सिस अप्लाई की जाने वाली प्लेट्स जब आप ये वोल्टेज अप्लाई करेंगे ये इंक्रीज एंड फॉल टू जीरो करेगा तो आपका ग्राफ फैल जाएगा स्वीप आउट हो जाएगा Uh, जैसे स्वीप शॉट खेलते ना इंजमाम बड़ा अच्छा गिरता था कान भी बड़ी अच्छी गिरता था उसके मुताबिक uh, ये आउट होगा सो जितने हम ये वोल्टेज बढ़ा देंगे उतना ज्यादा टाइम के लिए ये uh, एक के एक रो की जाने वोल्टेजेस की बात थी नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनल पार्ट दैट इज स्क्रीन एंड स्क्रीन जो है uh, इस स्क्रीन का काम ये है के जहां अब अल्टीमेटली आपका इलेक्ट्रॉन्स है वो लगातार एक पेन की तरह जस्ट लाइक अ पेन जस्ट लाइक द टिप ऑफ अ पेन वोल्ट वाई एक्सिस वाले वोल्टेजेस में होने वाले वेरिएशन के मुताबिक कभी ज्यादा कभी कम होता जा रहा है और एक्स एक्सिस पे अप्लाई किए गए वोल्टेजेस इसको फैलाते जा रहे हैं और एक लाइव आपको वेरिएशन इन वोल्टेजेस जो नजर आती है जो या तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग फैल रही होती है आ, चल रही होती है या y के चल रही होती है बट हाउ कैन वी मेक फाइनल पार्ट के अंदर एक हिस्सा है तो ये आप देख लें लेंड दूव अलोंग एक्स एक्सिस क्योंकि लाइव वेव है uh, तो ये लेफ्ट साइड की तरफ जाती है और ये कैसे नजर आ रही है जहां जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं फ्लोरिसेंट स्क्रीन में वहाँ पर फ्लोरिसेंस का फिनोमिना होता है जिसमें आपको एक लाइट जो है वो एक्साइटेशन के नतीजे में नजर आती है सिर्फ उस पार्ट के अंदर अब सवाल ये है कि हम चाहते हैं कि ये वेव स्टैटिक हो जाए स्टैटिक होने से मरा दिए कि रुकी हुई हो और हम आसानी के साथ क्योंकि एक बार वेव रुकी हुई हो तो हम बड़ी आसानी के साथ टाइम पीरियड मैयर कर सकते हैं कि भाई टाइम पीरियड कितना है क्योंकि हमें पता होता है कि ये इसमें ग्राफ बना होगा जिसमें पता होगा कि इसका सेगमेंट का वो टाइम कितना है इसका सेगमेंट टाइम पीरियड पता होगा हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी पता होगी तो मैं यूजेस भी आपको साथ साथ बताता हूँ फ्रीक्वेंसी पता होगी फ्रिक्वेंसी के साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि पीक वोल्टेज कितनी ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज कितनी आप ये देख सकते हैं पीक करंट कितना है आप वेव फॉर्म देख सकते हैं साइनोसडल है ट्राइंगर है है

यूजिंग uh, बट uh, ये कैसे करना है तो उसके लिए बस ये फाइनल पॉइंट आप देख लें देन सी एन एनिमेशन टू मेक योर इमेजिनेशन मोर इफेक्टिव एंड क्लियर सो अगर तो आपके एक्स एक्सिस के ऊपर अप्लाई किए जाने वाले uh, जो टाइम पीरियड है या फ्रीक्वेंसी है क्योंकि दो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं ना एक एक एक्स एक्स प्लेट्स 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 पर और और वाई वाई अपने बिल्ट इन सर्किट से और वाई पे वो वाले दो पे जाने वाले वोल्टेज, वाले वोल्टेज के का इक्वल या इसका कोई इंटेग्रल मल्टीपल हो इंटेग्रल मल्टीपल का मतलब फर्ज करें एक्स एक्सिस पे जो टाइम पीरियड है वो फाइव सेकेंड है सो so, Uh, आप इसको फ्रीक्वेंसी की सेंस में भी देख सकते हैं लाइक यू कैन आल्सो से के अगर तो एफ एक्स बो इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलोंग वाई एक्सिस और सम मल्टीपल सो इफ इट इज फाइव तो इसका मल्टीपल एग्जैक्ट इंटेग्रल मल्टीपल कौन कौन से होंगे टेन uh, या टेन के अलावा फाइव एग्जैक्टली फाइव हो एग्जैक्टली exactly टेन हो या इसके अलावा फिफ्टीन हो ये इंटेग्रल मल्टीपल्स कहलाते हैं क्योंकि आपने एक रेजोनेंस का पढ़ा था ना वेव फॉर्म्स के अंदर रेजोनेंस उस वक्त होती है जब फ्रीक्वेंसी या तो एग्जेक्टली इक्वल हो जाए या उसका कोई इंटेग्रल मल्टीपल हो जाए तो बेटा ये वेव फॉर्म आपकी स्टैटिक हो जाएगी ये डिफरेंट यूजेस हैं वेवफॉर्म हम चेक कर सकते हैं वोल्टेजेस फ्रीक्वेंसी फेज का मतलब है एंगल देख सकते हैं आप किसी भी पॉइंट पे एंगल देख सकते हैं यहाँ पे एंगल 90 है यहाँ पे 180 है ये 270 है ये 360 है इवन एट सम इंस्टेंट फेज सकते हैं बैक वक्त दो बना के कि के कि इन दोनों दरम्यान में एंगल कितना है पीक वोल्टेज कितने होते हैं किसी खास लम्हे पे वोल्टेज कितने है। मैं कहता हूँ भाई मुझे बताओ दसवें सेकंड में कितने वोल्टेज है मैं तो टेन सेकंड में मैं देख सकता हूँ वोल्टेज की वैल्यू कितनी है

अगर आप किसी को कामयाब होते हुए देख लें आपके दोस्त ने बड़े अच्छे मार्क्स ग्रेड्स लिए हैं तो आपको क्या फीलिंग आती है क्या ये बुरी फीलिंग है अः तो अच्छी बात नहीं है ये हसद अः के जमरे में आ जाती है अः या आप अच्छा फील रश करते हैं आप रश करते हैं यार मैं भी देखूं जरा अपने दोस्त से बात करें यार मुबारक हो आपको आपने बड़े अच्छे ग्रेड्स लिए माशाल्लाह मुझे भी जरा बताएं कि आपकी कामयाबी का राज क्या है तो uh, ये दिस इज गुड वे दिस इज सॉर्ट ऑफ विन विन सिचुएशन रादर देन थिंकिंग के मैं uh, बुरा uh, सोचूं बल्कि मैं uh, ये सोचूं कि मैं रश करूं कि भाई uh, माशाल्लाह इसने बड़ी अच्छी मेहनत की है uh, इसके पीछे को क्या क्या इसकी डेली रूटीन क्या है ये क्या करता है uh, मैं कंपेयर थोड़ा सा करें और अपने और उनकी अच्छी चीजें जो है वो उनको फॉलो करने की कोशिश करें हाउ कैन यू ये है साइज़ बढ़ रहा है